हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज गाइज मैं आपके लिए कोई रेसिपी वीडियो नहीं लेके आई हूँ, बल्कि अपना होम टूर लेके आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने ड्यूप्लेक्स हाउस को कैसे डेकोरेट कर रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरा ड्यूप्लेक्स हाउस। अभी हमने दिवाली पर जो लाइट्स लगा रखी थी वो एज इट इज़ लगी हुई हैं। यहाँ पर हम अपनी कार पार्क करते हैं और ये मिला हुआ है हमें ग्रीन एरिया, मतलब प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स और प्लांट्स लगा रखे हैं जो अभी कुछ ही समय पहले लगाए हैं, तो ये उतने ग्रो नहीं हुए हैं। अब हम चलते हैं गेट के अंदर। तो गेट के अंदर जाते ही, जैसा कि मैंने कहा, पार्किंग एरिया अंदर के साइड में है, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी नहीं पार्क होती, इसलिए छोटा सा गार्डन बना रखा है। ये मेरे बच्चों की साइकिल है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये कॉर्नर्स पे मैंने इनडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इस पार्किंग एरिया को मैंने कुछ इसी तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। तो जस्ट कैबिनेट के ऊपर मैंने एक मिरर लगा रखा है जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने जस्ट यहीं पे लगा दिया इसको। और ये देखिए, बोनसाई प्लांट को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। और यहाँ पे ये है छत का एरिया जहाँ पे मैंने एक हैंगिंग लाइट लगा रखी है। और सबसे फेवरेट कॉर्नर मेरा है ये एंट्री गेट का एरिया। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है, साथ में गार्डन चेयर है, फाउंटेन है, और कुछ आर्टिफिशियल और कुछ ओरिजिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है, मैंने इसे बड़े प्यार से सजाया है। फ्री टाइम में हम यहीं पे आके बैठते हैं और यहीं पे हम सुबह शाम की चाय पीते हैं। बहुत ही अच्छा सा माहौल है इसका, क्योंकि जो फाउंटेन की आवाज़ होती है ना, वो पानी की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है ना ये कॉर्नर। तो मुझे ये वाला कॉर्नर अपना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये डिफ्यूज़र से जो है बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है। और यहाँ पे इस तरह से स्टोन्स भी मैंने लगा रखे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने खुद से डेकोरेट किया हुआ है। होप आपको भी ये कॉर्नर पसंद आया ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं मेरे ड्राइंग रूम एरिया, मतलब लिविंग एरिया की तरफ। तो लिविंग एरिया में एंट्री करते ही ये एल शेप का सोफ़ा मैंने लगा रखा है, क्योंकि मेरा ड्राइंग एरिया इतना ही बड़ा था तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग सोफ़ा लेना था। और ये है मेरे सेंटर टेबल जिसे मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे कर्टन्स मैंने सोफे के मैचिंग के ही लगा रखे हैं। पूरे वॉल का कलर मैंने वाइट ही लिया है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से उभर के आएँ। सोफे के पीछे मैंने इस तरह का एक मेटल का शोपीस लगा रखा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब ये देखिए, ड्राइंग और डाइनिंग को डिवाइड करने के लिए मैंने ये राधा कृष्ण का एक एक्रिलिक का बोर्ड लगवाया है। और एक ये फाउंटेन लिया है मैंने, जो लोकल मार्केट से ही मैंने लिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया ये फाउंटेन, और मुझे वैसे भी फाउंटेन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अपने घर में दो फाउंटेन ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रास की कटिंग बची हुई थी उसको भी मैंने लगा दिया, इससे लुक काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे इस तरह का एक कैंडल होल्डर और आर्टिफिशियल बोनसाई प्लांट मैंने रखा है। अब हम आते हैं टीवी कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पे एक टीवी कैबिनेट है जस्ट सोफे के सामने। तो टीवी कैबिनेट को भी मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। और ये एक प्लांट देख सकते हैं आप, ये बैम्बू प्लांट है जिसके स्टिक्स जो है ओरिजिनल है, बट लीव्स जो है आर्टिफिशियल है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। और अब हम आते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो डाइनिंग एरिया मेरा देखिए, मैंने जो डाइनिंग टेबल बनवाई है उसमें एक बेंच बनवाई है और चार चेयर बनवाई है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेस कम लेता है और देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने डाइनिंग एरिया को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे सोफे से मैच करता हुआ ही डाइनिंग टेबल मैंने बनवाया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने जो है डाइनिंग टेबल तो दिखा दिया आपको, उसके जस्ट सामने ये है वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन भी क्योंकि लिविंग एरिया में है तो मैंने इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना रखा है, क्योंकि ये फ्रंट का एरिया है तो ऑब्वियसली फ्रंट का एरिया हमें थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मेरा वॉश बेसिन एरिया है। यहाँ पर नीचे मैंने कैबिनेट बनवाया है। और अब ये है क्रॉकरी कैबिनेट जस्ट वॉश बेसिन के बगल में, क्योंकि कहीं पे स्पेस नहीं थी तो हमें यहीं पे बनवाना पड़ा इसे। तो इस तरह से देखिए, क्रॉकरी कैबिनेट बनवाया है मैंने, बट मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये। तो अभी मैं आगे जब भी कभी कोई ऐसा कैबिनेट बनवाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल तो ये क्रॉकरी मैंने लिमिटेड ही रखी है, क्योंकि क्रॉकरी कैबिनेट
मेरे हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। अब डाइनिंग टेबल एरिया के बाद ये है, एक थोड़ी सी स्पेस बच गई थी तो मैंने इसको थोड़ा यूटिलाइज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक झूला जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन मुझे भी यहाँ बहुत मज़ा आता है। मैं भी फ्री टाइम में यहाँ पे बैठती हूँ और ये स्टेयर्स के जस्ट बगल में है। और ये है एक विंडो और आप देख सकते हैं, मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया का। तो इस तरह से आप देखिए जो पार्टीशन है उसमें मैंने हैंगिंग लाइट्स भी लगा रखी हैं और ये डाइनिंग एरिया में भी मैंने लाइट हैंगिंग वाली लगा रखी है, ये वॉल लाइट है। और ये मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ, तो देखिए डाइनिंग टेबल का लुक। और यहाँ पे अब हम दिखाएंगे कि मैंने स्टेयर्स के एरिया को कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने एक शू कैबिनेट बनवा दिया है, काफ़ी बड़ा सा शू कैबिनेट ये बन गया है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से स्टेयर्स हो तो आप इस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये स्टोरेज के लिए मैंने बनवाया है जो कि मतलब मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत सारी स्टोरेज की चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। घर में बहुत कुछ होता है जो हमें रखना होता है। और यहाँ पे मेरा किचन जो था वो ओपन नहीं था, तो मैंने कुछ इस तरह से इसे ओपन करवाया क्योंकि ये पूरी वॉल क्लोज थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कॉर्नर निकल के आया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको गेस्ट रूम की तरफ। मैं फटाफट से वीडियो बढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये है गेस्ट रूम, यहाँ पे इस तरह से वॉलपेपर थोड़े डार्क शेड का लगाया मैंने और ये टिश्यू के कर्टन लगाए हैं। तो यहाँ पे ये कर्टन फ्लोर प्रिंट के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये मेरी अलमीरा है जो कि मेरी काफ़ी पुरानी अलमीरा पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे कोई वुडन वर्क नहीं कराया है, मैंने अपनी पुरानी वाली अलमीरा ही रख दी है। अब ये है गेस्ट रूम और लिविंग रूम से अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। वॉशरूम में भी कुछ काम मुझे करवाने हैं जो कि मैं आगे चल के करवाने वाली हूँ, फिर मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो दिखाऊंगी। और यहाँ पे चलिए किचन की तरफ मैं चलती हूँ। तो किचन मेरा मैंने कुछ इस तरह से बनवाया है, मैंने सब कुछ सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही की हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरा ओपन किचन नहीं था तो मैंने इस तरह से ओपन करवाया इसे और इस कॉर्नर को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। और ये देखिए यहाँ से मेरा पूरा लिविंग रूम दिखता है, मतलब डाइनिंग एरिया और लिविंग रूम पूरा दिखता है। तो मुझे ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा ड्राई प्लेटफॉर्म है जो आप मेरे चैनल पे अक्सर देखते रहते होंगे। ये मेरा बेकिंग का सामान मैं ऊपर में रखती हूँ और नीचे माइक्रोवेव और अवन के लिए मैंने बनवा रखा है। अवन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने अभी वो खाली स्पेस रखी हुई है। तो हमें सब कुछ अपने बजट में ही करना था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने किचन की भी प्लानिंग की थी कि मेरा किचन भी अच्छा लगे और मेरे बजट में भी हो। तो ये हॉप टॉप है जिसको मैंने फिट नहीं कराया है, मैंने ऐसे ही रख के मैं इससे काम करती हूँ। यहाँ पे ये चिमनी लगवा रखी है, चिमनी के अगल बगल जार के स्टोरेज के लिए स्पेस बना रखी है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से प्रोफाइल लाइट भी लगवाई है। और ये रेड बल्ब जो आप देख रहे हैं, मुझे साउथ फेसिंग कुकिंग करनी पड़ती है इसलिए मैंने रेड बल्ब लगा रखा है। तो ये देखिए अब आ रहे हैं नीचे के साइड में किचन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्लैब मेरा ग्रे है इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रे का भी लिया हुआ है इसमें ताकि ये स्लैब के साथ मैच कर जाए। और यहाँ पे मैंने 13 ट्रॉली लगवाई हैं। यहाँ पे किचन मेरा काफ़ी स्पेशियस है। और ये है मेरा फ्रिज जिसमें फ्रंट पे टफन ग्लास है, इससे मेरे किचन का पूरा व्यू दिखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे रेगुलर क्रॉकरी के लिए मैंने ये एक कैबिनेट बनवाया है, साथ साथ नीचे अप्लाइंसेस के लिए एक कैबिनेट बनवाया है मैंने और नीचे थोड़ा स्टोरेज का भी एरिया है। अब मैं आपको वॉशिंग एरिया मतलब वॉश यार्ड दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वॉश यार्ड में मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब यहाँ पे मेरे कपड़े भी वॉश होते हैं और यूटेंसिल्स भी वॉश होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं यूटेंसिल्स रखे हैं। यहाँ पे भी मुझे सिंक लगवाना है जो कि मैंने अभी नहीं लगवाया है। और अब चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे का पूरा ही एरिया मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे ये ग्रेनाइट की स्टेयर्स हैं और ये किचन का कॉर्नर है मेरा। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंगिंग लाइट जो लगवा दी है, इससे बहुत ही ज़्यादा ये कॉर्नर ब्यूटीफुल हो गया है। और देख सकते हैं यहाँ से भी किचन का व्यू पूरा दिख रहा है। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स और कुछ मैंने इस तरह से फैमिली फ़ोटो लगाई है, ये मैंने ओरिजिनल इंडोर प्लांट लगा रखा है।
तो मैंने स्टेयर्स को भी कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है ताकि देखने में काफी सुंदर लगेगी। अब हम आ गए हैं अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एरिया में। सामने ही एक्वेरियम है, देख सकते हैं कितने कलरफुल फिशेस यहाँ पे स्विम कर रही हैं। तो यहाँ पे मुझे एक्वेरियम के लिए यही स्पेस बेटर लगी तो मैंने यहीं पे लगा दिया। अब यहाँ पे एक लैम्प है, साथ में एक टीवी कैबिनेट है और एक ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग लाइट है। अब यहाँ पे मैंने टीवी लगा रखी है। टीवी हम लोग यहाँ पे बैठ के देखते हैं, हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो टीवी कोई भी नीचे नहीं देखने जाता, हम सब यहीं बैठते हैं। और ये है मंदिर, तो ये जो ब्राउन देख रहे हैं आप वो मंदिर का स्टोरेज है और ये वाइट है मंदिर पूरा मेरा। तो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने कोरियन की स्टेयर्स बनवा रखी हैं और आप देख सकते हैं ये मंदिर की जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी जो है ऑनलाइन परचेज की हैं, क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मैंने सारा कुछ ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो आप देख सकते हैं मंदिर को कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है इस मंदिर को देख के, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो इस तरह से राधा कृष्णा जी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे, और ये है राम लक्ष्मण सीता जी, साथ में हनुमान जी, और यहाँ पे हैं शिव पार्वती और गणेश जी, और कुछ नीचे के साइड में गोपाल जी हैं, गणेश लक्ष्मी जी हैं, और यहाँ पे है माता रानी। तो आई होप मंदिर आपको पसंद आया होगा। अब हम आ जाते हैं किड्स रूम की तरफ। तो लॉबी से जस्ट बगल में ही ये किड्स रूम है, यहाँ पे ये बच्चों का बेड है, और साथ में मैंने जो गेस्ट रूम में कर्टन टिश्यू के लगा रखे थे वही मैंने यहाँ पे भी लगा रखे हैं। ये वॉलपेपर मैंने बटरफ्लाई वाला लगा रखा है। मैंने यहाँ पे वो कार्टून से रिलेटेड कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो फिर जो है रूम पूरा चेंज करना पड़ता है फिर से, तो मैंने कुछ ऐसा लगाया है जो ऑल टाइम चले। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी के टॉयज़ रखे हैं, तो ये टॉयज़ के लिए मैंने शेल्फ बनवाई है, काफ़ी बड़ी शेल्फ बनवाई है मैंने क्योंकि उसके काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं तो फिर मतलब इधर उधर ना पड़े रहें, इसलिए मैंने इस तरह से एक शेल्फ बनवाई है। और यहाँ पे उसका एक स्टडी टेबल बनवाया है मैंने। अब आप देख सकते हैं पूरा व्यू इस रूम का। अब इसी रूम में है एक स्टडी एरिया जहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जो है वो बैठ के पढ़ती है, तो ये है उसका बुक शेल्फ। साथ में आप देख रहे हैं ये मैंने एक लाइट भी प्रोफाइल लाइट लगवा रखी है इसमें, और ये है स्टडी टेबल। तो यहाँ पे एक अलग सी स्पेस बन जाती है स्टडी के लिए, और यहाँ पे एक विंडो भी है। अब मैं यहाँ पे ले चलती हूँ आपको बच्चों के ड्रेसिंग एरिया की तरफ जहाँ पे मैंने कबर्ड बनवा रखी है। तो बच्चों के ड्रेसिंग एरिया में काफ़ी अच्छी कबर्ड बन गई है, काफ़ी बड़ी कबर्ड है ये। इसमें बच्चों के कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं डेली यूज़ की वो भी आ जाती हैं। और कुछ इस तरह से हमने ड्रेसिंग एरिया बनवाया है बच्चों का। यहाँ पे बनवाया है मिरर, तो मिरर फुल लेंथ का है ये क्योंकि बच्चों का मैंने जैसा कि बताया ड्रेसिंग एरिया काफ़ी बड़ा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों का वॉशरूम। तो ये किड्स का मेरे वॉशरूम है जो कि ड्रेसिंग एरिया से अटैच्ड है। ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, ये मेरे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है। बाकी मेरे घर में 3 वॉशरूम है लेकिन ये वॉशरूम सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वुडन वर्क मुझे कराने हैं बट मैं वो आगे चल के कराऊंगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी। होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे होम टूर को। थोड़ा लंबी वीडियो तो है बट आपको भी पूरा घर दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये है बच्चों का वॉशरूम। अब हम चलेंगे लॉबी एरिया से मास्टर बेडरूम की तरफ। अब ये आ गया मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे ये शेल्फ देख रहे हैं आप, उसका भी मैं आपको अभी बताऊंगी, सबसे पहले आपको बेड दिखाती हूँ मैं। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये इसकी फॉल सीलिंग है। जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ये मैंने बेड के मैचिंग का ही लगवाया है। और यहाँ पे जो आप लाइट्स देख रहे हैं वॉल लाइट्स, मुझे जो है मैंने ये वॉल में ही लाइट्स फिट करवा रखी हैं क्योंकि
जब हम साइड टेबल पे लैंप वगैरह रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो यहाँ पे साइड टेबल को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। तो ये है कर्टेंस जो कि जो है ग्रे और वाइट शेड में है। तो सेम लिविंग एरिया के कर्टन ही मैंने इस बेडरूम में भी लगा रखे हैं और ये एक रनर लगा रखा है। और ये जो आप शेल्फ देख रहे हैं, ये जब वर्क फ्रॉम होम का टाइम होता है तो उस टाइम के लिए ऑफिस वर्क इजीली हो सके, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक कॉर्नर में काफ़ी स्पेस थी तो मैंने इस तरह से शेल्फ बनवा दी है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ अपना ड्रेसिंग एरिया। किड्स के ड्रेसिंग एरिया से थोड़ा सा छोटा है मेरा ड्रेसिंग एरिया, बट फिर भी सफिशियंट कबर्ड यहाँ पे बन गई है। तो ये देखिए मैं पूरा कबर्ड आपको दिखाती हूँ। ये सारे स्लाइडिंग ही डोर है ताकि जो है हम जब खोलते हैं कबर्ड को तो हमें वो स्पेस नहीं मिलती। और यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल के साइड में कुछ स्टोरेज का एरिया बनाया है और नीचे के साइड में भी ये स्टोरेज के लिए बनाया है। मैं यहाँ पे फुल लेंथ मिरर चाहती थी बट यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से फुल लेंथ मिरर नहीं बनी है। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग के ऊपर भी मैंने लाइट लगा रखी है ताकि अच्छी तरह से रोशनी आए। तो ये फुल लेंथ मिरर तो नहीं है बट फिर भी बिल्कुल परफेक्ट ड्रेसिंग टेबल ये तैयार हुई है। और अब चलिए दिखाती हूँ मैं मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम। तो अभी ये घर नया ही बना है इसलिए कुछ आपको दाग धब्बे भी दिख रहे होंगे फ्लोर पे। तो ये वॉशरूम है मास्टर बेडरूम से जो अटैच है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे किड्स रूम का जो है वॉशरूम है वो सबसे बड़ा है, तो मेरे घर में सभी वॉशरूम का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी कोई छोटे वॉशरूम नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हैं आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी जो कि मैंने अभी नहीं दिखाई है आपको। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने बालकनी को कैसे डेकोरेट कर रखा है। तो बालकनी भी हमारी जो लेंथ है वो जो है 15 फिट की है और जो विड्थ है बालकनी की वो 5 फिट की है। तो बालकनी का भी साइज़ परफेक्ट है। ये ग्लास की रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मैंने फ्लावर्स लगा रखे हैं। और ये देखिए ये सिटिंग एरिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी भी छत दिखाती हूँ। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे भी हम फ्री टाइम में बैठते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। और आप देख सकते हैं जो बालकनी में ये एरिया आप देख रहे हैं ये ग्रेनाइट लगा हुआ था। मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने वाली थी पर वॉशिंग मशीन यहाँ पे नीचे के साइड में एडजस्ट नहीं हो पाई, तो ग्रेनाइट पे जो मैंने गार्डन में ग्रास लगा रखी थी उसी का क्या बचा हुआ जो कटिंग था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि वो ग्रेनाइट ना दिखे। और यहाँ पे कुछ गमले मैंने रखे हैं, जैसे शमी के पौधे हैं, केले के पौधे हैं और साथ में तुलसी जी का प्लांट है और कुछ शो प्लांट्स हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। तो काफ़ी लंबी और चौड़ी बालकनी है ये, जैसा कि मैंने कहा 15 फिट लेंथ है इसकी और विड्थ है 5 फिट की। और ये देख सकते हैं दिवाली से ही लाइट से इस तरह से लगी हुई है। सारे यहाँ पे फ्लावर्स वाले ही प्लांट लगा रखे हैं मैंने। अब यहाँ पे लॉबी एरिया से हम चलेंगे टेरेस की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं टेरेस की तरफ। तो यहाँ से भी मैं दिखाती हूँ आपको कि मतलब मेरा नीचे का एरिया कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से देखने पे। मैं कभी भी मतलब जब ऊपर जाती हूँ तो मैं नीचे ज़रूर देखती हूँ क्योंकि वहाँ से फिर मेरा घर बहुत अच्छा दिखता है। अब हम आ गए हैं टेरेस पे। तो टेरेस पे मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ये एक शेड बनवा रखा है हमने और शेड पे इस तरह से हमने कुछ डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे भी हम फ्री टाइम में आके बैठते ही हैं तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी टी टाइम पे हम यहाँ पे आ जाते हैं या ऐसे भी कभी धूप लेनी होती है, विंटर्स का टाइम है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी इसमें मुझे इसे और अच्छे से डेकोरेट करना है और यहाँ पे झूले वगैरह भी लगाने हैं, तो वो सब अभी मैंने नहीं किया है। जब मैं कभी भी इसे डेकोरेट करूँगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो होप आपको मेरी ये सारे घर की डेकोरेशन पसंद आई होगी और मैंने आपके साथ वीडियो इसलिए शेयर की कि आपके भी कुछ सजेशन हो कि मैं अपने घर को और अच्छा कैसे बना सकती हूँ तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा मेरा टेरेस का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको।
तो आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।